अभी हम बघा दो प्रखंड के नौतनवा जिमरी नौतनवा पंचायत के नौतनवा गांव में मौजूद हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये नवरात्रि का पूजा पंडाल है और पीछे देख सकते हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है और समिति के लोग भी मौजूद हैं। तो आज है नवरात्रि और दशमी भी है, इसलिए कि 3 बजे के बाद से दशमी का प्रवेश हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहां किस तरह की तैयारियां थी, क्या था। तो सबसे पहले यहां के जो मुखिया हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खूबलाल बलघड़िया है। आप किस पंचायत में? मैं जिमरी नौतनवा पंचायत का मुखिया हूं। आप लोग जो है यहां कितने सालों से मनाते हैं? अभी तो हम लोगों का 7 साल से यहाँ पर पूजा व्रत किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन हर साल की अपेक्षा इन साल बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का आगमन रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया ढंग से मनाया गया और बहुत शांति ढंग से मनाया गया। कोई बवाल नहीं। और हमारे थाना प्रभारी भी समय समय पर हम लोगों के साथ देते रहे, यहाँ पर आते रहे। शासन प्रशासन का भी साथ मिला आप लोगों? मिला, एकदम बहुत अच्छा। थाना मिला, थाना प्रभारी एकदम सजग रहे, तत्पर रहे, हमेशा आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो ये थे, हमसे बातचीत कर रहे थे इस पंचायत के मुखिया खूबलाल प्रसाद, जो कि खूबलाल बड़घड़िया, जो नौतनवा जिमरी नौतनवा पंचायत के मुखिया हैं। तो आइए हम इस कड़ी में अन्य लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबर लाल बाबू है। मैं इस बाजार का और समिति का एक सदस्य हूं और मैं ही पंडाल में पूजा अर्पण के लिए मैं ही यहाँ पे माता के दरबार में पूजा पे बैठे थे और शांतिपूर्वक बहुत अच्छा से पूजा हुआ। और हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि श्रद्धालु पिछले के अपेक्षा इस बार करीब करीब 70-80% ज़्यादा बढ़ी हैं, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है और इस पर मैं धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आप बताएं कि इस मूर्ति का विसर्जन कब होगा? मूर्ति का विसर्जन कल सुबह हम लोग कर देंगे। कल कर देंगे जी। मतलब नियम से आप लोग चल रहे हैं? नियम से एकदम, जो थाना प्रभारी हम लोग का आदेश दिए हैं उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। ये हमसे बात कर रहे थे समिति के जो सदस्य हैं लाल बाबू प्रसाद, जो कि इनका भी कहना है कि जो नियम है सरकार का उसी नियम का पालन करते हुए हम लोग चलेंगे। आइए अन्य भक्तों से भी बात करें। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुमार गोड़ सर नाम मेरा है। आप लोग यहाँ कैसा, मतलब कब से ये रख रहे हैं मूर्ति? सर हम लोग यहाँ पूजा पंडाल 2017 से कर रहे हैं और इस साल के बाद ही हम लोग सर अभी 7 साल हो गया। पूजा हम लोग हर साल अच्छे से करते हैं और इस साल सबसे बेहतर गया है और इसमें सबका सहयोग, नजीओ का भी सहयोग रहा है सर हर चीज़ में। अच्छा, बढ़िया। जी जी जी। कोई हल्ला दंगा नहीं सर? कोई ऐसा हल्ला गुला नहीं हुआ। प्रशासन के द्वारा हम लोग अच्छा पूजा कराया गया। प्रशासन टाइम टू टाइम आते गए और वो पूछते गए कि पूजा मतलब अच्छा से गया कि नहीं गया, कोई तंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा हम लोग मतलब ऐसा नहीं हुआ है, पूजा और अच्छा से बीता है। धन्यवाद। तो आइए हम कुछ महिला श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शोभा देवी है। तो आप यहाँ क्या करने आई थी? पूजा करने आई थी सर। तो कैसा रहा पूजा? बहुत अच्छा था पूजा, अन्य साल के अपेक्षा बढ़िया है सर। अच्छा है, शासन प्रशासन का साथ कुछ मिला, साथ में कोई हल्ला देना नहीं। ये हमसे बात कर रही थी यहाँ के महिला श्रद्धालु। आइए इसी कड़ी में हम यहाँ के जो पंडित हैं पूजा करा रहे थे उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम पंडित जितेंद्र शुक्ल है। अच्छा, कैसा रहा आपका जो यहाँ आयोजन था? बहुत सुंदर रहा, बहुत दिव्य रहा, माता रानी की कृपा रही, बहुत ही भव्य रहा पंडाल इस साल का। हर साल की अपेक्षा इस साल भक्तों की भीड़ काफ़ी रही और यहाँ के पूजा समिति के लोगों का, नगर क्षेत्र के लोगों का भी पूरा सहयोग रहता है यहाँ पूरे पंडाल को व्यवस्थित करने में, संयमित करने में, और अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। ये विसर्जन कब होगा? विसर्जन कल सुबह में कर दिया जाएगा। कल सुबह कर दिया जाएगा। वैसे मंगलवार दिन होने के नाते प्रतिमा का विसर्जन जो है बुधवार को करेंगे लोग यहाँ पूजा समिति के लोग, लेकिन हम आपके द्वारा मतलब? हाँ, हमारे द्वारा जो है पूजा पद्धति के नियम से कल विसर्जन हो जाएगा। नहीं, कल हो जाएगा, कल सुबह में। हाँ, तो हमसे बात कर रहे थे यहाँ के जो आचार्य हैं पंडित जितेंद्र आचार्य और पूजा समिति के लोगों को इन्होंने काफ़ी सराहना दिया है। इन्होंने बताया कि इनका साथ काफ़ी अच्छा मिला है
तो आइए हम इस कड़ी में इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा जी, आप यहाँ दुकानदार? यहाँ दुकानदार। दुकानदार हैं। अच्छा, यहाँ पूजा हुआ तो कोई गड़बड़ी नहीं? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, यहाँ तो 7 साल से होती आई है। अच्छा, बढ़िया होता है? एकदम बढ़िया। और लोगों का साथ मिला? पूरा लोगों का साथ। मुखिया जी का साथ मिला? मुखिया जी तो हमारे एकदम बहुत लगे रहे, बहुत लगे रहे। और थाना प्रभारी? थाना प्रभारी साहब भी हमारे बहुत। कोई हल्ला दंगा? कोई हल्ला दंगा। क्या नाम हुआ आपका? राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा, ये हमसे बात कर रहे थे राजेश मिश्रा जी, जो कि स्थानीय यहाँ के वासी हैं, दुकानदार भी हैं। और इन्होंने भी कहा कि यह पूजा समिति के द्वारा काफ़ी सहयोग रहा, यहाँ के मुखिया खूबलाल बड़घड़िया के द्वारा काफ़ी सहयोग रहा और शासन प्रशासन की ओर से भी काफ़ी सहयोग रहा। तो आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज़, मैं हूँ धर्मजीत महतो। धन्यवाद।